नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदा बनी रहे। महाराज जी के आशीर्वाद से आज के इस अंक में हम जानेंगे वो चार बातें जो आप अपने जीवन में कभी किसी को ना बताएं तो ही बेहतर होगा। ये चार मुख्य बातें यदि आप अपने जीवन में किसी को बताते हैं तो आप स्वयं ही परेशानियों को आमंत्रित करते हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने जीवन में परेशानियों को आकर्षित करे या आमंत्रित करे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं चार ऐसी बातों की तरफ जो आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में रखनी है यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन चार बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी दान पुण्य का कार्य करते हैं, अध्यात्म की तरफ रुचि लेते हैं और अध्यात्म के प्रभाव के चलते जीवन में दान पुण्य के जो भी कार्य आप करते हैं, उन दान पुण्य के कार्यों का कभी भी बखान ना करें। कभी भी अपने द्वारा दिए गए दान की व्याख्या ना करें। कभी भी किसी को अपने द्वारा किए गए दान का कभी भी विवरण ना दें। ऐसा करने से क्या होता है? तो इससे होता यह है कि जब आप अपने द्वारा जो दान आप करते हैं, उस दान के बारे में जब आप किसी से कोई बात करते हैं, तो उस किए गए दान का जो आपको आध्यात्मिक फल प्राप्त होना होता है, वो फल आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। उसका आपके द्वारा दिए गए दान का जब बखान आप करते हैं, तो वो एक प्रकार के नकारात्मकता को आपके जीवन में लेकर आता है और साथ ही आपके चरित्र पर भी प्रश्न उठने लग जाते हैं। जो लोग हैं वो आपके द्वारा किए गए दान को आपका अभिमान समझने लगते हैं और समाज में आपका चरित्र वैसा ही समझा जाने लगता है जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके आध्यात्मिक चरित्र पर कोई उंगली उठाए। तो ये था पहला ऐसा कारण या पहला ऐसा कार्य जो आपको कभी भी उसका बखान नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी ऐसी बात पर जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप अपने जीवन में चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हों, व्यवसायी हों या कोई भी कार्य कर रहे हों जिससे आपकी जीवनचर्या चल रही है, उसके जो भी कार्य क्षेत्र है उससे अर्जित होने वाली आमदनी के बारे में कभी किसी को बिल्कुल ना बताएं, भूल कर भी ना बताएं। उससे आपको जो लोग हैं, जो समाज है, वो आंकना प्रारंभ कर देता है और आपकी आमदनी से आपके पूरा अपना जो भी कार्य किया है, जितना भी अपना अर्थ आपने अब तक अर्जित किया है, उस पर लोगों की बुरी नजर पड़ सकती है, जो कि आपके व्यवसाय के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए आज से और बल्कि अभी से आप सावधान हो जाएं। यदि आप अपने जीवन में ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, अपनी आमदनी, अपने व्यवसाय से प्राप्त होने वाला जो धन है, जो अर्थ है, उसके बारे में आज से और अभी से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा जो मुख्य बिंदु है जो आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो है कि आपको अपनी कमजोरी का और अपनी ताकत का कभी भी बखान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने अपनी किसी भी कमजोरी को ना बताएं। सदैव इस कार्य को करने से आप बचें, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आपका सबसे कमजोर, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपकी कमजोरी रही हो या आपकी त्रुटि रही हो, कभी भी किसी के सामने मत प्रकट करिए, क्योंकि इससे जब आप अपनी कमजोरी किसी को कहते हैं तो वो
व कमजोरी दूसरों तक पहुंचने से आपके जीवन पर दूसरों के लिए प्रहार करना बड़ा ही आसान हो जाता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि आपकी कोई ऐसी कमजोरी है जो आप अपने किसी शत्रु से भी कह बैठते हैं, तो आप स्वयं भी अपनी कमजोरी अपने शत्रु को बताएंगे तो वो आप पर हावी होने लगेगा, और अपनी कमजोरी बताने से आपकी जो हार है, जो आपकी पराजय है, वह पहले से ही निश्चित हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी को भी अपनी कमजोरी ना बताएं, और यहीं पर अपनी शक्ति, जो जिस प्रकार से आप शक्तिशाली हों या जो भी आपकी ताकत हो, उस ताकत को भी आप किसी को ना बताएं, क्योंकि उससे आपके शत्रुओं को भी पता चल जाता है कि आप किस प्रकार से सशक्त हैं, आपके पास कौन सी ताकत है और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो उससे आपको विचलित कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी या अपनी शक्ति का किसी के भी सामने बखान मत करिए, किसी के भी समक्ष इन्हें मत बताइए। इससे आपकी पहले ही जो रणनीति होगी वो दूसरों को पता चल जाएगी, और आप समाज में अपने जो प्रभाव हैं उसको दिखाने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब आता है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जो आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, भूल कर भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, और वो ये है कि आपको कभी भी अपने अतीत और भविष्य के रणनीतियों के बारे में कभी भूल कर भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो भी आपका अतीत रहा हो, जो भी आप पहले जिस भी स्तर पर थे या पहले जो कुछ भी आपके जीवन में व्यतीत हो चुका है, फिर चाहे वो अच्छे प्रभाव हो या चाहे बुरे प्रभाव हो, जो भी आपका अतीत रहा हो, अपने अतीत के विषय में कभी किसी को मत बताइए। क्योंकि यदि अपने अतीत में आप मान लीजिए किन्हीं बुराइयों में लिप्त रहे हों, या आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कार्य यदि आप किसी के समक्ष कहते हैं तो आपके शत्रुओं को एक मौका मिल जाता है, आपके शत्रुओं को यह मौका मिल जाता है कि वो आपके उस अतीत पर उंगली उठा सकें जिससे कि वो आपको समाज में नीचा दिखा सकते हैं। और यही स्थिति अतीत की आपको आज चाहे आप कितने भी सशक्त क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी शक्तिमान क्यों ना हो, चाहे कितना भी आज आपने अपने स्तर को बदल लिया हो, आप सकारात्मक हो गए हो, पर अतीत की ये बातें जब निकल कर आती हैं तो वो आपको झकझोर कर रख देती हैं, आपके प्रभाव को मलिन कर देती हैं और आपके चरित्र पर भी उंगलियां उठने लग जाती हैं। यह तो अपने अतीत के बारे में आप कभी भी किसी के भी साथ अपनी कोई बात साझा ना करें। और दूसरा, इसी के साथ एक बिंदु और मैं आपको बताना चाहूंगी कि भविष्य में क्या आपकी रणनीति होने वाली है, आगे चलकर आपने कौन सी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को आप भूलवश भी कभी भी किसी को ना बताएं, क्योंकि भविष्य में आपकी रणनीतियां किसी और के लिए मौका हो सकती है, किसी और के लिए एक तरह का प्रभाव हो सकता है जो वो आपसे छीन सकते हैं। जो रणनीति आप अपने लिए बनाना चाह रहे हो उसे वो खुद अपना लेंगे। जो भी आप भविष्य में किसी प्रकार से अपनी योजनाएं बना रहे हैं, वे योजनाएं किसी और के साथ साझा ना करें, क्योंकि वो योजनाएं किसी और की रणनीति बन सकती है जो प्रभाव आपने अपने लिए अपने आने वाले समय के लिए बनाकर रखी होंगी, वो प्रभाव कोई और चुरा सकता है, आपकी योजनाओं से कोई और बहुत कुछ सीख सकता है, आपकी योजनाएं किसी और की योजनाएं बन सकती हैं। तो इसलिए इन बातों का आप बहुत बहुत ध्यान रखें कि अपना अतीत और अपने भविष्य की रणनीतियां भूल कर भी किसी के साथ भी आप साझा ना करें। तो ये चार जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन चार बातों को आप कभी भी किसी के साथ
भूल कर भी साझा ना करें। ये आपके जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करते हैं, आपके प्रभाव को कम करने में बहुत हद तक सहायक होते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे राम।